किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, मुझे बहुत से किचन गार्डनिंग वाले और जिन्होंने घर पर एक दो पौधा लगाया हुआ है ज़मीन में और बाग वाले अक्सर एक सवाल पूछते हैं, कहते हैं जी मैंने पौधा जुलाई में लगाया था, मैंने पौधा सितंबर में लगाया था, अब क्या मैं उसकी कटिंग करूँ या नहीं करूँ। किसान साथियों, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कैनोपी मैनेजमेंट की, के कैनोपी बनाने के लिए किस समय की कटिंग के लिए कौन सी वीडियो देखें, उस पर एक लेख भी लिखा था और उस लेख में सारी विस्तृत जानकारी दी गई है। फिर भी कुछ भाइयों की शंकाओं के लिए और जो किचन गार्डनिंग वाले हैं उनके लिए मैं ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसान साथियों, ये जो मेरा बाग है इसमें मैं अक्सर दिखाता हूँ 60 पौधे हैं और ये पौधा अब जून में 2 वर्ष का हो जाएगा। किसान साथियों, इसमें पिछले वर्ष इसी समय मैंने एक गर्मी में खाद दे दिया था, मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया था, उससे मेरे इसमें लगभग 38 पौधे ख़राब हो गए थे। जो बचे हैं वो इस तरह के पौधे हैं। आप देखिए इनकी कैनोपी कितनी मजबूत है। आप ये देखिए इस पौधे में यहाँ से देखिए कि किस तरह से मैंने यहाँ से पहली कटिंग की थी 2 फीट पर। इसके बाद मैंने ये शाखाएं 1, 2, 3 चुनी थी, फिर यहाँ से कटिंग की थी और देखिए कितनी अच्छी वो हो गई है, कितनी हवा आएगी, इसको कुछ नहीं होगा। और ये शाखाएं देखिए कितनी मजबूत है, अब इन पर फल आ रहे हैं। ये देखिए इन पर कितने फल हैं। ये अलाहाबादी सफ़ेदा का पौधा है और ये बरसात के फल ले रहा हूँ। और इसकी एक और बात मैं बताऊँगा कि ये देखिए ये जो दूरी है मेरे लाइन से लाइन के बीच की दूरी, ये 10 फीट है। इस समय मेरी बाहें जो है इतनी दूरी पर है और आप देखना कि बरसात होते होते जैसे ही अगस्त का माह आएगा इतनी दूरी बचेगी इनके बीच में। और मैं फिर इसकी सितंबर में पिंचिंग करूँगा और फिर मैं इस पर फरवरी में कटिंग करूँगा ताकि मैं फरवरी से बरसात की फसल ले सकूँ और सर्दियों की फसल ले सकूँ। अब की बार मैंने इस पर सर्दियों की फसल का चुनाव किया। किसान साथियों, अगर मैं इस पौधे को कुछ नहीं करता, नहीं काटता, तो ये पौधा यहाँ तक आ जाता, इतना बड़ा हो जाता। और उसमें क्या होता कि फिर मुझे ये सघन विधि माध्यम नहीं अपनाना पड़ता, मुझे 20 फुट पर पौधा लगाना पड़ता। पौधा बहुत बड़ा हो जाता है और उसके सबसे बड़े नुकसान ये होते हैं कि पौधे के स्ट्रक्चर, जो उसकी शाखाएं हैं, मैं पौधे की जो मेन शाखाएं जिन पर फ्रूट लगता उससे कहीं अधिक हो जाती हैं और हमारा जितना भोजन हम देते हैं अधिकतर उन शाखाओं को मेंटेन करने में ही चला जाता है। सघन बागवानी की अपनी अच्छाइयां हैं, अपनी कमियां हैं। अच्छाइयां ये हैं कि फल आपके नज़दीक होता है, स्प्रे में आप आसानी होती है और फल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। नुकसान ये हैं कि इसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, कटिंग का ध्यान रखना। इन 2 पौधों को देखिए, एक ये पौधा देखिए और एक ये पौधा देखिए, देखिए दोनों में कितना अंतर है। मैंने इस पौधे की जो ये पौधा है इसकी कटिंग मैंने फरवरी में कर दी थी। आप देखिए इसका कितना अच्छा छतरक बनने लगा है, लेकिन ये जो पौधा है, ये वाला पौधा, इसकी मैंने कटिंग नहीं की थी और आप देखिए कि ये कितनी बेतरबी से बढ़ता जा रहा है। और अगर आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये पौधा इतना बड़ा हो जाएगा और जब हवा आएगी तो ये पौधा गिर जाएगा। ये होगा इसका पहला नुकसान। दूसरा नुकसान इसका ये होगा कि ये बढ़ता हुआ इतना चला जाएगा कि इस पर फल कम आएंगे और आपको ये दूसरे पौधे को भी समस्या करेगा। किसान साथियों, जो सघन बागवानी 10 फीट बाई 10 फीट से कम की मैं सिफारिश नहीं करता। आपको अगर सघन बागवानी करनी है तो 10 बाई 10 फीट पर लगाइए, लेकिन मैं अच्छी तरह अगर सघन बागवानी में आपकी इच्छा है और आपको लगाव है उससे, तो कम से कम 12 बाई 12 या 10 बाई 10 रखें। 12 बाई 12 बहुत अच्छी है। अगर आप दोनों का मिड कर रखना चाहते हैं तो 15 बाई 15 बहुत अच्छी है। आपको कैनोपी भी बनाने में अच्छा लगेगा, थोड़ा काम भी कम करना पड़ेगा और फल भी अच्छे होंगे। अब आइए मैं इस पौधे की इस समय कटिंग करूंगा।
आप देखिए ये शाखाएं, मुझे बहुत से भाइयों ने फोटो भेजे हुए हैं, मैं सबके उत्तर नहीं दे सकता। अगर मैं सबके उत्तर देने लगा तो मुझे उसी से फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इसकी इस समय कटिंग कर आपको ये दिखाता हूँ कि ये आज 26 जून है, तो अगर 15 जून तक आपने कटिंग कर दी या अभी भी कर दी, अभी एक हफ्ते बाद बारिश होगी और हमारे यहाँ 2-3 बारिश हो चुकी हैं और इसमें अच्छे कल्ले चल रहे हैं, तो आप इसकी कैनोपी में फिर दिखाऊंगा। आइए इसकी थोड़ी परिचित स्केटियर है, जिसे हम प्रूनर भी कहते हैं या कटर भी कहते हैं। जब भी हम इससे कोई काम लेते हैं, इसके बाद इसकी अच्छी तरह सफाई कर रख देते हैं और ये लॉक लगा देते हैं। आइए अब देखिए, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये शाखा, देखिए ये शाखा यहाँ तक पक चुकी है, यहाँ तक पक चुकी है, तो आप 1 से 1.5 फीट कम से कम होना चाहिए और आप 1.5 फीट से इसको काट दीजिए। ये देखिए, ये मैंने अनावश्यक इसकी जो बढ़वार थी ऊपर को हो रही थी वो रोक दी है और इसी प्रकार इस शाखा को मैंने रोक दिया है। ये देखिए, ये वाली जो शाखा है इसको भी हम थोड़ा रोक देंगे और इस शाखा को भी हम रोक देंगे। ये देखिए, और ये जो शाखा है छोटी सी, इसको हम हटा देंगे। अब देखिए, ये शाखा है इसको हम यहाँ से पिंच कर देंगे थोड़ा सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बची हैं। आप देखिए इसमें एक छोटा सा अमरूद भी आया हुआ है, ये देखिए। और जब अमरूद छोटे पेड़ पर होते हैं तो उनका साइज भी ठीक नहीं होता और वो पौधे की वृद्धि को अनावश्यक कर दे। अब आप देखिए कि ये कितना अच्छा पौधा बनेगा। ये मैंने इसे सहारा दे दिया और अब ये ऊपर की, यहाँ से कल्ले निकलेंगे, अब ये ऊपर की तरफ चले। इस समय आप चाहें पत्ती हटा दें, चाहे ना हटाएं, गर्मी बहुत है तो ना हटाएं तो अच्छा है। आइए मैं कुछ पौधे दिखाता हूँ जिनकी कैनोपी बहुत अच्छी, उसी की उम्र का पौधा है, इसकी मैंने सही कटिंग की थी और इसमें कितने फूल आ रहे हैं। और ये देखिए, इन सबको हम तोड़ देते हैं क्योंकि हमें इससे फल नहीं लेना है। ये 1 वर्ष का पौधा है, ये हमने अगस्त के एंड और सितंबर के शुरू में लगाए थे और अभी भी 1 वर्ष का नहीं हुआ है। देखिए कितनी अच्छी कैनोपी इसकी बनती जा रही है। आइए मैं और दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी कैनोपी इसकी बनती जा रही है। ये मेरा ताइवान पिंक ग्राफ्टिंग का पौधा है और जो ताइवान पिंक ग्राफ्टिंग होती है उसमें ये बड़े ध्यान से देखिए कि ये नीचे जो है ना, इसमें जो रूट स्टॉक होता है वो बहुत अच्छा होता है और उसके बाद ये देखें कितनी अच्छी कैनोपी बनी। जबकि जो क्लोन वाले पौधे हैं उनको देखेंगे, उनमें आप इस तरह की कैनोपी नहीं बना सकते, क्योंकि इस तरह से का कैनोपी नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें प्राइमरी रूट नहीं होती, नीचे जड़ अच्छी मजबूत नहीं होती और उस पौधे की उम्र भी इससे आधी होती है। ये जरूर है कि इसमें 6 महीने के बाद फल लगना उसकी अपेक्षा शुरू होता है। देखिए कितनी अच्छी कैनोपी बनाई। अभी आप देखेंगे कि 1-1.5 माह बाद ये पौधा इतना बड़ा हो जाएगा। आइए कुछ और देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी कैनोपी बनाई हुई है। ये देखिए, ये भी सितंबर के शुरू में लगाया गया। इधर देखिए, ये पौधे देखिए, जो बड़े वाले हैं वो 2 साल के हो जाएंगे ये जो है, और इनकी कैनोपी देखिए। तो किसान साथियों, कैनोपी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें एक दूरी तक बिल्कुल सफाई रखनी पड़ती है और पौधे को एक छत्रक का रूप देना पड़ता है, जैसे हमारा छाता होता है, और बहुत तेज़ हवा में ये नहीं गिरेगा और आपके पौधे बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। किसान साथियों और किचन गार्डनिंग करने वाले भाइयों बहनों, जो भी मुझे अपनी कटिंग के बारे में पूछते हैं, वो इस बात का ध्यान कर लें कि कटिंग इस बात पर निर्भर करती है कि आपने, और भाइयों और बहनों, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है कि मैं प्रत्येक का उत्तर दूँ, इसीलिए मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है और शीघ्र ही मैं एक किचन गार्डनिंग वालों के लिए भी ग्रुप बनाना जा रहा हूँ, जिसकी जल्दी ही आपको सूचना मिलेगी। ये थी मेरी कैनोपी क्यों जरूरी है और कब हम कटिंग करते हैं, इस पर एक अन्य प्रस्तुति। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे अवश्य बताएं। इसी के साथ मैं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी अपने कैमरामैन जॉन कुमार के साथ आपसे इजाज़त लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।